नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी टुडे न्यूज़ पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूँ जो कि पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट की तरफ से निकल के आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट है। कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने ही वाला हूँ। सो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करें तो और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक करके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और वहाँ पर जाकर टाइप करना होगा www.meetakarmy.in और फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले सकते हैं और चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर, वहीं पर चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। सो सबसे पहले बात करें तो ये नोटिफिकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कोई अदर मोड नहीं है। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पे 100 रुपीज़ आपको एज ए एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे करना होगा। SC ST अदर रिजर्व कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई जो है यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे बात करूँ MTS की तो यहाँ पे MTS के लिए 28,000 आपकी जो है सैलरी रहने वाली है। पोस्टमैन के लिए 21,700, मेल गार्ड के लिए 21,700 आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 12th पास कैंडिडेट MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पोस्टमैन के लिए 10th पास एंड मेल गार्ड के लिए भी 10th पास कैंडिडेट जो है यहाँ पे वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होनी है। जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वाइल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे एज लिमिट की 18 से लेकर 37 ईयर तक के जो कैंडिडेट रहेंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है, यहाँ पे 3 से लेकर 10 साल तक की एज रिलैक्सेशन आपको मिलने ही वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, कहीं पे भी अदर मोड से आपको अप्लाई नहीं करना होगा। और ये नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, 2024 का सबसे बढ़िया नोटिफिकेशन रहने वाला है जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। और इसके अंदर मैं अगर बात करूँ ये जो वैकेंसीज हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अपकमिंग वैकेंसीज हैं जिनके लिए अगर आपको नहीं पता तो 45,000 प्लस वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन ये रहेगा और इसके लिए पेंडिंग है, अभी आना है 2024 में, तो इसके लिए वेट जरूर कीजिएगा। GDS के अलावा ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। सो इसके लिए जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। ये आज का नोटिफिकेशन है, अब मैं आपको मिलूंगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद जी।